धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। जी हाँ, धर्म हमेशा लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए कहता है। धर्म के मूल स्तंभ दान, दया, तप और तपस्या। धर्म कभी किसी को लड़ने या शत्रुता रखने का संदेश नहीं देता। धर्म सबकी मदद करने को कहता है। कुछ ऐसे ही संदेश आज आपको इस निरंकारी संत समागम में मिलने वाला है। आज है 28 अक्टूबर और आज पहला दिन इस समागम का, तो यहाँ पर माता सुदीक्षा जी आएंगी और सत्संग में आए सभी श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेगी। यह समागम में आने वाला सबसे मुख्य वह द्वार है जिससे होते हुए माता सुदीक्षा जी आएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आगमन में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी रंगोली यहाँ पर श्रद्धालुओं ने बनाई हुई है। सभी के सभी अपनी निगाह टिकाए हुए हैं इस प्रवेश द्वार पर कि कब सतगुरु माता सुदीक्षा जी इस एंट्री गेट से एंटर लेंगी और कब उनको दर्शन होंगे। क्षेत्र व निरंकारी संत समागम, आज समागम का पहला दिन है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। भारत के साथ साथ अन्य देशों से भी यहां पर श्रद्धालु आए हुए हैं। सभी के सभी श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि कब माता सुदीक्षा जी आएंगी और समागम की शुरुआत करेंगी। सभी के सभी माता सुदीक्षा जी के प्रवचनों को सुनने के लिए ललायित हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु इस गेट के सामने खड़े हुए हैं क्योंकि इसी गेट से थोड़ी देर में यहाँ पर माता सुदीक्षा जी पहुंचेंगी। अपनी अपनी वेशभूषा में यहाँ पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी का स्वागत करने के लिए श्रद्धालु खड़े हुए हैं। दोस्तों, इस बार समागम की मुख्य थीम सुकून अंतर्मन होगी, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर सतगुरु माता जी जिन प्रवचनों को आपके सामने रखेंगी उनसे आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। आज रात्रि 8 बजे सत्संग शुरू होगा। सत्संग के लिए यह जो सामने पंडाल है जो हमने आपको पीछे दिखाया था, उसके नीचे ही 3 दिनों तक सत्संग होगा और तीनों दिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी यहां पर आएंगी और श्रद्धालुओं को सत्संग से अवगत कराएंगी। सभी के सभी इस इंतजार में है कि कब सतगुरु माता जी आएंगी और उनका मार्गदर्शन करेंगी। यह देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह से उनके स्वागत में यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। जहाँ तक भी हमारी यह वीडियो पहुँचेगी तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर आकर इस समागम का हिस्सा बनिए, सतगुरु माता जी के प्रवचनों को सुनिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। यह जो सामने आप बहुत बड़ा पंडाल देख रहे हो, इसी के नीचे 3 दिन सत्संग रहेगा। हर रात्रि 8 बजे माता सुदीक्षा जी अपने प्रवचनों से संगत का उद्धार करेंगी।
समागम में आने के लिए आपको आसानी से बस ट्रेनें मिल जाएंगी, लगभग 70 ट्रेनें। बोड़वाल माजरी के स्टेशन पर रुकेंगी, दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर आएंगे और समागम का हिस्सा बनेंगे। यहां पर जगह जगह पर बस स्टॉपेज भी बनाए हुए हैं, तो उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लगभग 25 एम्बुलेंस यहां पर रखी गई हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कोई स्वास्थ्य परेशानी ना हो। 20 डिस्पेंसरी हैं और यह भी कहा गया है कि देश के साथ साथ अन्य देशों से भी यहां पर डॉक्टर आएंगे, उन विदेशी डॉक्टरों की अलग टीम होगी। डॉक्टरों की संख्या 60 होगी और यहां पर प्रतिदिन लंगर चलेगा। ऐसा मानना है कि लंगर में लगभग 5,00,000 चपातियां हर रोज बनाई जाएंगी। अभी कुछ ही देर में माता सुदीक्षा जी यहां पर पहुंचेंगी, जिसका इंतजार सभी के सभी कर रहे हैं। आखिरकार जिस घड़ी का सभी भक्तों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी पहुंच चुकी हैं समागम में। यह देखिए परेड टाइप और साथ में माता सुदीक्षा जी आपको नजर आएंगे।